यार माय फर्स्ट ब्लॉग पे इतने सारे व्यूज कैसे आ जाते हैं, माय फर्स्ट ब्लॉग इतना जल्दी वायरल कैसे हो जाता है। दोस्तों आप सभी में से जितने लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, आप सभी लोगों ने कुछ दिनों से माय फर्स्ट ब्लॉग को यूट्यूब पर वायरल होते हुए देखा है और इस माय फर्स्ट ब्लॉग को लेके काफी सारे चैनल एक साल के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो किए हैं। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत कम लोगों को ही पता था कि ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, लेकिन आज के दौर में हर एक इंसान यूट्यूब पे ब्लॉगर बनना चाहता है, यूट्यूब पे अपनी लाइफ स्टाइल को दिखाना चाहता है और ब्लॉगिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इस बाटे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ इस वीडियो में विद लाइव प्रूफ करके आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आपको पता है यूट्यूब टिप्स के रिगार्डिंग वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं लेता हूं अपने मोबाइल फोन को और आप लोगों को दिखाता हूं कि आखिर माय फर्स्ट ब्लॉग क्यों वायरल हुआ। यहां पे यूट्यूब पे मैं सबसे पहले सर्च करता हूं माय फर्स्ट ब्लॉग और यहां पे सर्च करते ही आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वीडियो जो यहां पे आ रही है वो 13 दिन पहले डाली गई है और यहां पे 81 के मतलब 81,000 इस पे व्यूज है। अब दोस्तों इसी वीडियो को ओपन कर लेते हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में कुछ भी खास नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये किसी गांव से बिलोंग करते हैं और बिल्कुल ही नॉर्मल वीडियो यहाँ पे इन्होंने बनाया है। बस इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल ट्रिक और यहाँ पे 13 दिन पहले डाला है इन्होंने और यहाँ पे 81 के यहाँ पे व्यूज चले गए, मतलब 81,000 व्यूज चले गए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ये वीडियो वायरल होने का असली रीजन क्या है। यहाँ पे दोस्तों मैं इनके चैनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट वीडियो में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ है इससे पहले उस पर 127K मतलब कि 127,000 व्यूज है जो कि एक महीने यहाँ पे पहले वायरल हुआ था। उसके बाद फिर इन्होंने माय फर्स्ट ब्लॉग डाला है, फिर इन्होंने माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल ट्रिक डाला है, फिर माय फर्स्ट ब्लॉग Q&A डाला है, मतलब कि इन्होंने माय फर्स्ट ब्लॉग से ही रिलेटेड यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। माय फर्स्ट ब्लॉग का मतलब होता है कि एक वीडियो जो मेरी पहली है यूट्यूब पे और वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो वो मेरी माय फर्स्ट ब्लॉग हुई, उसके बाद नॉर्मल लाइफ स्टाइल या फिर ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारा वीडियो जितना भी बनाया है माय सेकंड ब्लॉग माय थर्ड ब्लॉग इस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो सबसे ज्यादा व्यूज माय फर्स्ट ब्लॉग पे ही क्यों जा रहा है, माय फर्स्ट ब्लॉग पे ही इतना ज्यादा व्यूज कैसे आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल ट्रिक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनकी डिस्क्रिप्शन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में इन्होंने किस तरीके से हैशटैग्स डाले हुए हैं, लेकिन वीडियो इसके कारण वायरल नहीं हुई है, वीडियो किस चीज़ के कारण वायरल हुई है यहाँ पे इस बात को समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सर्चिंग कीवर्ड्स। मैं जैसा कि अगर आप मेरे पिछले व्यूअर होंगे मतलब कि पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप गूगल से सर्च करके और अपने डिस्क्रिप्शन में जो है पीपल ऑल्सो आस्क का जो होता है जो सर्च कीवर्ड होता है वो डालना चाहिए, और इन्होंने वही किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्चिंग कीवर्ड्स, यहाँ पे माय फर्स्ट ब्लॉग, माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल, माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें, माय फर्स्ट ब्लॉग 2020, माय फर्स्ट ब्लॉग टुडे, माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो, माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें, मतलब कि पूरा का पूरा उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया है लास्ट में, जैसे मैं बोलता हूँ हैशटैग इन्होंने डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इनके वीडियो में खास कुछ भी नहीं है, अगर आप इनके वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं है इनके वीडियो में, लेकिन इनकी वीडियो चलने की मेन रीजन यहाँ पे कीवर्ड्स हैं और नीचे में ये जो हैशटैग्स डाले हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है जो कि ठीक है आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है इन्होंने सर्चिंग कीवर्ड्स डाल दिया है तो इनका वीडियो वायरल हो गया है, यहाँ पे हैशटैग डाल दिए हैं तो इनका वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन हमने काफी ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिन वीडियो में कोई हैशटैग्स नहीं है, कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं, मतलब टाइटल है लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर भी वो वीडियो कैसे वायरल हो जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूट्यूब जो है, यूट्यूब अगर आपको चाहे तो एक दिन में रातों रात स्टार बना सकता है, तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा नए क्रिएटर्स आए, ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब को ज्वाइन करें ताकि यूट्यूब भी कमाए और यूट्यूब पे आने वाले लोग भी कमाएं। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पे पार्टनरशिप प्रोग्राम चलता है, जो भी पैसे कमाते हैं यूट्यूब पे वो कुछ यूट्यूब रखता है, कुछ पैसे आप रखते हैं, तो इससे अगर आप यूट्यूब को ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो आपको भी फायदा है और यूट्यूब को भी फायदा है। तो यूट्यूब ने यहाँ पे अपने एल्गोरिथम में ये चेंजेस किए हैं कि जो भी माई फर्स्ट ब्लॉग बना रहा है, जो लोग भी माई फर्स्ट ब्लॉग पे काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया जाए, उन्हें यहाँ पे आगे बढ़ाया जाए, और यही एक कारण है जिससे कि काफ़ी लोगों के माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल होते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ भी काफ़ी मायने रखती है कि आप पीपल ऑल्सो आस्क या फिर सर्चिंग कीवर्ड्स लिखें, क्योंकि सर्चिंग कीवर्ड्स अगर आप लिखेंगे तो आपका वीडियो सर्च में भी जाएगा और यहाँ पे अगर आप हैशटैग्स लगाएंगे तो आपका वीडियो सजेशन में भी जाएगा और साथ ही साथ आपके वीडियो को यूट्यूब सपोर्ट भी करेगा। तो जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो ऑटोमेटिक आपका वीडियो वायरल होने का चांस रहेगा ही रहेगा। और इस भाई का भी चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक महीने पहले इन्होंने डाला 127,000, 3 वीक पहले डाला 20,000, 81,000, 19,000, 11,000 और आज इन्होंने डाला 5.1 के मतलब कि 5,000 व्यूज गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने वीडियो को वायरल शुरू कर सकते हैं माई फर्स्ट ब्लॉग से, क्योंकि माय फर्स्ट ब्लॉग से क्या होता है कि एक बूस्ट मिलता है, एक यूट्यूब आपको सपोर्ट करता है जिससे कि आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आगे चल के अगर आप कंटेंट चेंज भी करते हैं तो आपकी वीडियो चलेगी 100%, लेकिन रिलेटेड आपका वीडियो ब्लॉग से ही होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग को यहाँ पे यूट्यूब काफी सपोर्ट कर रहा है, मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ और मैंने काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, काफी चीज़ें देखने समझने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप भी यूट्यूब पर शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आपका अगर कोई और चैनल भी है यूट्यूब पर तो यहाँ पर आप एक ब्लॉगिंग चैनल ओपन करें और आप भी माय फर्स्ट ब्लॉग बनाएं और इसी तरीके से सर्चिंग कीवर्ड्स लगाएं, टैग्स लगाएं और देखिए यूट्यूब भी आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब रिलेटेड टिप्स देखने के लिए। और दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।